हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं कुश्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वन लाइनर के माध्यम से लेके आई हूँ और मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे यूपीटी हो, चाहे यूपीएलटी गेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, एमटी टेट हो, केवीएस एनवीएस हो, सभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो, थ्योरी वीडियो, एमसीक्यू वीडियो, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिटेल में बताया गया है। थ्योरी वीडियो हर एक टॉपिक पर चैप्टर वाइज बताया गया है, जिसे आप पढ़ करके सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड डेली बेसिस मैं आपको दोनों टाइम रिवीजन ही करा रही हूँ। तो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुश्ती से रिलेटेड। दोस्तों, क्वेश्चन है कि कुश्ती का जन्मदाता देश कौन है। बहुत बार जन्मदाता हर खेल का पूछ लिया जाता है, तो कुश्ती का जन्मदाता देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाली संस्था का क्या नाम है। दोस्तों, तो उसका नाम है फीला। क्या नाम है? फीला, यानी विश्व कुश्ती संघ, फेडरेशन इंटरनेशनल डिल्यूट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई। तो इसको स्थापना हुई 1912 में। नेक्स्ट है, कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो कुश्ती को ओलंपिक खेलों में 1904 में शामिल किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको 1904 में तो शामिल किया गया, यहाँ पे इस तरह से नहीं पूछेगा। इस तरह से पूछेगा तो 1904 हो जाएगा। बट दोस्तों, कुश्ती जो है दो प्रकार की खेली जाती है। एक होती है ग्रीको रोमन, ठीक है, एक होती है ग्रीको रोमन और एक होती है आपकी फ्री स्टाइल। एक होती है फ्री स्टाइल, तो ग्रीको रोमन है ओलंपिक में 1896 में शामिल हुआ एंड जो फ्री स्टाइल है 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीको रोमन है वो प्राचीन स्टाइल था, फ्री स्टाइल नया स्टाइल है। तो ग्रीको रोमन जो है 1896 एथेंस ओलंपिक में ही शामिल हुआ था और फ्री स्टाइल कुश्ती 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल हुआ था। आजकल ज्यादातर फ्री स्टाइल ही प्रचलित है। अब महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया कुश्ती में 2004 एथेंस ओलंपिक में। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुश्ती की, नेक्स्ट है कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है, भारत में कुश्ती की राष्ट्रीय फेडरेशन कब बनी। तो भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई, भारत में कुश्ती की फेडरेशन 1948 में बना। कब बना? 1948 में। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया। तो दोस्तों, वो है केडी जाधव जी। केडी जाधव ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत की तरफ से कुश्ती में कोई पदक जीता। इन्होंने 57 केजी भार वर्ग में 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए यह प्रथम पदक जीतने वाले व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान में रखना है, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव, 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक और 2008 बीजिंग चीन में सुशील कुमार कांस्य पदक 66 केजी भार वर्ग में एंड 2012 लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार थे, जिसमें से योगेश्वर दत्त कांस्य पदक और सुशील कुमार रजत पदक जीते थे। एंड 2016 रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक जो है 58 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीती और ये साक्षी मलिक जो है प्रथम भारतीय महिला रेसलर बनी। एंड उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीते एंड बजरंग पुनिया 65 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीते।
नेक्स्ट है केडी जाधव ने किस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, तो हेलसिंकी फिनलैंड में 1952। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था दोस्तों, तो सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में। नेक्स्ट है आग इस्टकल्स शब्द किस खेल में संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है आग इस्टकल्स शब्द किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती एंड इक्वेस्ट्रियन दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है डॉग फॉल शब्द किस खेल से रिलेटेड है, तो डॉग फॉल भी है कुश्ती से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्रेडल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टिकलर्स शब्द किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से ही संबंधित है, यानी डॉग फॉल क्रेडल स्टिकलर्स ये सभी किससे संबंधित है, एंड अब स्टिकलर्स ये है कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश्ती में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुशील कुमार को दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कुश्ती के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, जो कुश्ती का मैदान होता है वह वर्गाकार 12x12 मीटर का होता है। और कुश्ती में प्रयुक्त नेक्स्ट है कुश्ती में प्रयुक्त होने वाले मैट का जो व्यास होता है डायमीटर होता है वह 9 मीटर का होता है, कितने मीटर का होता है, 9 मीटर का होता है। एंड नेक्स्ट है कुश्ती में कितने निर्णायक होते हैं दोस्तों, तो कुश्ती में 3 निर्णायक होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो कुश्ती का मैदान की जो मैदान होता है वर्गाकार होता है, लंबाई चौड़ाई 12x12 मीटर होता है, उसका डायमीटर मैट का जो होता है 9 मीटर गोलाकार बीच में होता है, एंड मैट की जो मोटाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है, और जो सुरक्षात्मक क्षेत्र की चौड़ाई होती है 1.5 मीटर, एंड मैट की जो सेफ्टी एरिया होती है वो 2 मीटर का होता है, एंड प्लेटफॉर्म की अधिकतम ऊंचाई जो होती है 110 सेंटीमीटर यानी 1.10 मीटर होता है, और मैट पर रंगों के जो निशान होते हैं लाल और नीला होता है, और पोशाक जो होते हैं वो भी लाल और नीला होता है। और दोस्तों इसमें जो टाइम होता है खेल की अवधि होता है कुश्ती में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, और प्रत्येक राउंड के पश्चात 30 सेकेंड का ब्रेक होता है, तो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं कुश्ती खेल का टाइम। ठीक है तो दोस्तों ये था कुश्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।